See now, question number 2 is, if 15a square plus 4b square upon 15a square minus 4b square is equal to 47 upon 7, then find values of 4 ratio. Right? इसके पहले इसमें हम लोग क्या दिया, a और b का, a upon b का value दिया था और हम लोग को ये find करना था. अभी क्या दिया, हम लोग को ये दिया है 15a square plus 4b square upon 15a square minus इसका value दिया है 47 upon 7 और हम लोग को a और b find करना है. क्या फाइंड करना है, पहले ए और बी और उसके बाद हम लोग को ये चार तीनों क्या करने हैं, फाइंड करने हैं. अब देखो 15 ए स्क्वायर प्लस 4 बी स्क्वायर, 15 ए स्क्वायर माइनस 4 बी स्क्वायर इज इक्वल टू 47 अपॉन 7. यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है, कॉम्पोनेंट ऑफ डिविडेंड ऑफ, वही प्रॉपर्टी यूज़ करनी है. 15 ए स्क्वायर प्लस 4 बी स्क्वायर प्लस 15 ए स्क्वायर माइनस 4 बी स्क्वायर, इसको यहाँ पे प्लस किया फिर इसमें से इसको यहाँ पे माइनस किया. 15 ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस 15a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे जो किया वो यहाँ पर भी करना होगा डिविडेंड ऑफ, राइट. सो यहाँ पे 47 प्लस 7 डिवाइड बाय 47 माइनस 7, एम आई करेक्ट, ओके. नाउ सी, ओपन द ब्रैकेट्स, 15a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 15a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर और यहाँ पे आएगा 15 ए स्क्वायर प्लस 4 बी स्क्वायर माइनस 15 ए स्क्वायर प्लस 4 बी स्क्वायर इज इक्वल टू 47 प्लस 7 54, 47 माइनस 7 40, राइट. नाउ सी, 4 बी स्क्वायर माइनस 4 बी स्क्वायर कैंसल, 15 ए स्क्वायर माइनस 15 बी ए स्क्वायर कैंसल बिकॉज प्लस माइनस डिफरेंट साइन. 15 प्लस 15 30 ए स्क्वायर, 4 प्लस 4 8 बी स्क्वायर इज इक्वल टू 54 अपॉन 40. ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो जो यहाँ पे मल्टीप्लाई यहाँ पे डिवाइड हो गया और यहाँ पे डिवाइड हो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया. 8 वन ज़ा 8, 8 फाइव ज़ा 40, 6 फाइव ज़ा 30, 6 नाइन ज़ा 54. सो ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचा, 9 अपॉन 25. टेकिंग पॉजिटिव स्क्वायर रूट, क्या करना है इसमें, पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेना है. सो ए अपॉन बी इज इक्वल टू 3 अपॉन 5, क्या आया 3, 9 का स्क्वायर रूट क्या आया 3 और 25 का 5, करेक्ट. अब ये जो हमें मिला है a अपॉन b, इसे लेकर हम लोग को आगे का सब करना है. यहाँ पे देखो क्या दिया है, 7a माइनस 3b अपॉन 7a प्लस 3b. ज़्यादातर हम लोग क्या देते हैं ना कि प्लस ऊपर और माइनस नीचे होता है ना, कॉम्पोनेंट डिविडेंडो, कोई बात नहीं, हम लोग इसे क्या करेंगे, इन्वर्टेंडो करेंगे. इन्वर्टेंडो करने के बाद क्या हो जाएगा, 7a प्लस 3b अपॉन 7a माइनस 3b, इन्वर्टेंड करना बाय इन्वर्टेंड. अब इसे सॉल्व करो, 7 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5, 7 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 5, सो 7 थ्री 21 प्लस 15 अपॉन 21 माइनस 15, 36 डिवाइड बाय 6, 6 वन जा 6, 6 जा 6 अपॉन 1. लेकिन हमें वैल्यू कौन सा चाहिए था, 7a माइनस 3b, 7a प्लस 3b, इट इज 1 अपॉन 6 क्यू, वापस करके उसको इन्वर्टेंड किया, यहाँ पे इन्वर्टेंट हो गया, इसको वापस यहाँ पे इन्वर्टेंट हो गया. तो फाइनली इसका आंसर क्या आता है, 7a माइनस 3b अपॉन 7a प्लस 3b का आंसर क्या आता है, 1 अपॉन 6. आए समझ में, राइट डाउन. थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है, बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर सॉल्यूशन, इसको इन्वर्टेंडो किया, इन्वर्टेंडो किया तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, राइट, ओके. अब देखो 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर, सो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9, 25 माइनस 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9, सो 25 प्लस 18 अपॉन 25 माइनस 18, 2 इंटू 9 18, 2 इंटू 9 18 प्लस एंड माइनस 43 डिवाइड बाय 7, क्या आंसर था 43 डिवाइड बाय 7 एंड देयर फोर बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 7 अपॉन 43, क्या आंसर था 43 अपॉन 7, लेकिन यहाँ पे है 7 अपॉन 43 बाय इन्वर्टेंडो, वापस हम लोग इसको इन्वर्टेंडो किया क्योंकि हम लोग को वैल्यू किसकी चाहिए थी, बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 7 अपॉन 43 बाय इन्वर्टेंडो. यहाँ पर भी ऐसे, बस यहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ पे क्यूब है, बी क्यूब माइनस 2a क्यूब, बी क्यूब प्लस 2a क्यूब बाय इन्वर्टेंडो, वापस बी क्यूब प्लस 2a क्यूब, बी क्यूब माइनस 2a क्यूब, यहाँ पे
5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 का क्यूब, 5 क्यूब प्लस 2 इंटू 3 क्यूब, 5 का क्यूब क्या आएगा 125 प्लस 2 इंटू 27, 125 माइनस 2 इंटू 27, 125 प्लस 54, 125 माइनस 54, आंसर इज 179 डिवाइड बाय 71, क्या आया 179 डिवाइड बाय 71, वापस इनको इन्वर्ट इंटू किया तो आंसर आया 71 डिवाइड बाय 170.